हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज़ अनिल और ये हमारी फोर्थ वीडियो है प्रोजेक्ट की। और इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बता देता हूँ आपको मैं। सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप ऐड करने वाले हैं ताकि हमारी वेबसाइट की लुक एंड फील अच्छी हो जाए, जो अभी अभी प्रोजेक्ट बना रहे थे, जो हम लिस्टिंग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर और काफ़ी जगह पर, ठीक है। तो उसके अंदर बूटस्ट्रैप ऐड करने के बाद हम उसका नेविगेशन बार यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें CSS लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही बूटस्ट्रैप एक अच्छा लुक एंड फील दे देता है। देन उसके बाद टेबल लिस्टिंग, जो हमारी यहाँ पे जो लिस्टिंग आती है ये भी अच्छी नहीं दिख रही है, इसके लिए भी हम एक और टेबल लिस्टिंग के लिए भी हम कुछ रिएक्ट बूटस्ट्रैप का यूज़ करेंगे, राइट। सो ये दो चीज़ें हम यूज़ करेंगे और उसके बाद में हमारे यहाँ पे भी एक प्रॉपर बार हो जाएगी, काइंड ऑफ लोगो एंड ऑल, तो काफ़ी अच्छा लुक एंड फील भी आएगा। और उसके लिए आपको, अगर आपको बूटस्ट्रैप नहीं आता है देन डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कोड कॉपी ही करने वाला हूँ उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, आपको भी साफ साफ दिख जाएगा और आप भी वैसे ही कॉपी कर सकते हो, ठीक है। और वैसे भी इसका मैं जो लिंक होगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, गिट रिपोजिट, ठीक है, वहाँ से प्रोजेक्ट भी उठा सकते हो, राइट। सो सबसे पहले मैं इसके अंदर रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक्चुअली दो पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे, बूटस्ट्रैप और रिएक्ट बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप जो पैकेज होगा ये हमें खाली स्टाइल देगा, रिएक्ट बूटस्ट्रैप हमें बहुत सारे कंपोनेंट्स विद हाइड शो और बहुत सारी और फंक्शनैलिटीज देगा, मोडाल एंड ऑल, राइट। सो यहाँ पे लिखता हूँ मैं npm i bootstrap और स्पेस से कि हम दूसरा पैकेज भी साथ ही लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रिएक्ट माइनस bootstrap और जस्ट हिट बाय एंटर। और जब तक ये इंस्टॉल होते हैं तब तक मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करवा देता हूँ। उसके लिए जैसे आपको गूगल में करना है रिएक्ट बूटस्ट्रैप, और जो फर्स्ट वेबसाइट होगी आपको यहाँ पे लॉन्च कर देगी, ठीक है। तो कंपोनेंट्स भी दिखेंगे आपको, बट सबसे पहले हम इंस्टॉल वगैरह कैसे कर सकते हैं, तो गेटिंग स्टार्ट करते हैं, राइट। सो इसके अंदर इसने सबसे पहले मुझे ये बताया है कि जो अब जस्ट हमने कमांड यूज़ करी है npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप एंड बूटस्ट्रैप, दोनों पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे। उसके बाद में ये तो हमारे रिएक्ट के बूटस्ट्रैप के लिए हमें CSS भी ऐड करनी पड़ती है ऑब्वियसली, तो हमें ये वाली फाइल कॉपी करके या तो हम index.js या फिर app.js के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। सो मैं इसको भी के लिए index.js के अंदर ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अभी तक हमारा पैकेज भी इंस्टॉल हो गया, और अभी आप देखोगे कि जैसे हमने यहाँ पे होम पे जाता हूँ मैं, CSS ऐड करी है, तो इसका लुक एंड फील थोड़ा सा अलग हो गया है, पहले से थोड़ा अच्छा हो गया है, ऑलराइट। सो अब आता है कि या तो आप ये वाला वे यूज़ कर सकते हो जो जिस हमने किया करा है, या फिर आप इस लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें भी आप index.html फाइल के अंदर भी डाल सकते हो, राइट। ओके, सो अब आपको किसको यूज़ कैसे करना है, देखो दो तरीके हैं, या तो आप इम्पोर्ट बटन फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप और स्लैश बटन यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसको प्रेफर यूज़ करूँ, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो इम्पोर्ट बटन फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, क्योंकि अगर आपको बटन टू कुछ और भी लेना तो आपको यहीं पे आ जाएंगे कोमा लगा के, ठीक है। सो ये थोड़ा ज़्यादा ठीक रहता है। तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है कि अभी हमें यहाँ पे सबसे पहले नेविगेशन बार ऐड करनी है, तो हम जाते हैं सबसे पहले कंपोनेंट्स पे और यहाँ पे हम नैवबार ढूंढते हैं ताकि हम नेविगेशन बार यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट लगा दें, ठीक है। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे नेविगेशन बार ढूंढ लिया है यहाँ पर, ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ और ये हमें कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। तो इस तरीके से हमें क्या क्या चाहिए अभी के लिए, हमें कुछ लिंक्स चाहिए, इस तरीके का ड्रॉपडाउन हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें सर्च बॉक्स और बटन की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें एक्स्ट्रा चीज़ें हटा भी दूंगा इसके साथ ही। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जाके app.js के अंदर ये सारा कोड पेस्ट कर दे रहा हूँ मैं राउटिंग के अंदर, ऑलराइट। जैसे मैंने पेस्ट कर, जो जो हमारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो निकाल दूंगा अभी के लिए मैं, जैसे कि मुझे फॉर्म की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे जो ड्रॉप डाउन है उसकी ज़रूरत है अभी के लिए, ठीक है। सो जो सिंपल है वही के लिए हमारे लिए अभी के लिए इनफ है। देन आई थिंक हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा नैव बंद कर दिया है, तो मैं अभी के लिए यहाँ पे जस्ट नैव यहाँ पे एक मैनुअल बंद करता हूँ, ठीक है। सो ये हो गया, बट चीज़ एक और है कि हमें ये चीज़ें इम्पोर्ट भी करनी होती हैं, जैसे कि नेविगेशन बार है, ये चीज़ें हमें बूटस्ट्रैप से इम्पोर्ट भी करनी होगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे अभी के लिए ये कह रहा है कि डिफाइन नहीं है, राइट। सो उनके लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, जस्ट सिंपली आपको यूज़ करना है इम्पोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, राइट। और यहाँ पे आप जो जो आपके कंपोनेंट्स हैं आप यहाँ पे डाल सकते हो, राइट।
आपको कहीं पे चेक करने की भी जरूरत नहीं है कि क्या क्या कंपोनेंट डालने हैं, जस्ट जो जो आपको दिख रहे हैं मेन कंपोनेंट वो डाल दीजिए। और नेवबार हो गया है, कोई और कंपोनेंट, बस दो ही कंपोनेंट। अभी आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे लिस्टिंग मिल गई है, बट ये थोड़ी सी अलग है, हमारी इस तरह की लिस्टिंग नहीं है जैसे कि हमें यहाँ पे मिलती है। तो इस इन दोनों को हमें भी कंबाइन करना है। कंबाइन करने के लिए हम एक्चुअली क्या कर सकते हैं कि जो ये लिंक्स हैं इनके अंदर हम हमारी वैल्यू डाल सकते हैं। हमें 1 2 3 4 5 6 सिक्स डिटेल के भी के लिए हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिटेल किसी क्लिक करने के ऊपर आने वाली लिस्टिंग के ऊपर, ठीक है। सो हमें एटलीस्ट 5 URLs चाहिए यहाँ पे, राइट। सो उसके लिए मैं भी क्या करने वाला हूँ कि यहाँ पे 5 लिंक बना लेता हूँ सिंपली, 4 और 5, और एक एक लिंक के अंदर मैं उठा के सिंपली इनको ऐड कर सकता हूँ। सो अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे जस्ट पुट कर सकता हूँ, सो ये परफेक्टली काम करेगा। दिस इज ऑन द सेकंड प्लेस, दिस इज ऑन द थर्ड प्लेस, शुड वर्क ऑन द फोर्थ वन, एंड अपडेट इज लास्ट वन, राइट। सो अभी के लिए मैं यहाँ से UI LI भी हटा सकता हूँ जिनकी मुझे जरूरत नहीं है। सो नाउ लेट्स चेक द लुक एंड फील। तो अभी आपको लुक एंड फील इसकी काफ़ी सही लग रही होगी पहले की बजाय, ठीक है। ऑलराइट, सो यहाँ पे रिएक्ट बूटस्ट्रैप की जगह पे यहाँ पे मैं हमारे एप्लीकेशन का नाम भी लिख सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो रेस्टो लिख सकता हूँ, राइट। सो ये थोड़ा ज़्यादा कूल भी लग रहा है, राइट। थोड़ा जूम इन भी कर सकता हूँ मैं अगर आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा हो तो, परफेक्ट। तो ये हमारी चीज़ें बन गई हैं। अब हम लिस्टिंग के ऊपर फोकस करते हैं कि हमारे पास लिस्टिंग आ गई तो ये अच्छा हमें नहीं दिख रहा है। तो लिस्टिंग अच्छी दिखाने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? तो हमारे पास एक ऑप्शन इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, टेबल। तो मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ और ये मैं टेबल यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ बेसिकली, ठीक है। सो मेरी लिस्टिंग ऑब्वियसली जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में देखा था, अगर आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जा सकते हैं रेस्टोरेंट लिंक के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ से जो हमारी लिस्टिंग आई थी इसके अंदर हम कुछ कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहले मुझे एक जो टेबल होगी, मुझे टेबल ऐड करनी है बेसिकली, राइट। सो टेबल मुझे इस लिंक के बाहर ही ऐड करनी होगी, तो मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, राइट। और टेबल को मैं क्लोज भी कर सकता हूँ यहीं पे, परफेक्ट। ओके, सो अभी के लिए ये बताया कि टेबल अभी है नहीं, क्योंकि हमें टेबल ऊपर से इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी रिएक्ट के अंदर, राइट। सो उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम हेडर ऐड कर सकते हैं, राइट। सो जस्ट अब मैं हेडर ऐड कर देता हूँ और इनको हम फॉर्मेट भी कर लेते हैं। हेडर के बाद में यहाँ पे आईडी आ जाएगी और इसके बाद में नेम आ सकता है, रेटिंग, और एट द लास्ट लोकेशन, लोकेशन या एड्रेस जो भी हम उसको कहना चाहें, राइट। सो अभी के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल ऊपर इंपोर्ट कर देता हूँ। सो लेट्स इंपोर्ट इट, इसको भी साइड में कर देता हूँ ताकि आपको दिखने के लिए थोड़ा स्पेस मिल जाए। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, एंड यहाँ पे लिख सकते हैं हम टेबल, राइट। सो लेट्स लुक ऑन द टेबल। ओके, सो इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा सही दिखेगी, राइट। सो अभी के लिए हमें थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द स्टाइल, देन बाकी चीज़ें ऐड कर लेते हैं अभी इसके अंदर। जैसे कि हमारे पास अभी टी बॉडी हमें ऐड करनी है, सो टी बॉडी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और सेम थिंग हम यहाँ पे टी बॉडी क्लोज भी कर सकते हैं। टी बॉडी एक्चुअली यहाँ पे क्लोज करनी है हमें, ये अपने आप खोल जाती है, परफेक्ट। एंड एट द लास्ट हमें यहाँ से एक टी आर उठाना है और हम उस टी आर को इस डिप की जगह पे रिप्लेस भी कर सकते हैं, राइट। सो अभी मैं के लिए इस टी आर डिप को मैं कैंसिल कर रहा हूँ और यहाँ पे टी आर रख रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं और जस्ट फॉर ट्राई फर्स्ट सबसे पहले हम यहाँ पे नेम रख के देखते हैं कि हमारे पास क्या इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारे पास इसका रिस्पॉन्स
आना एक्चुअली शुरू भी हो गया है, क्योंकि इसने बाकी जगह पे OOTT दे दिया और यहाँ पे तरीके से आ भी रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो हमारी आईडी होगी उसको मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली आई प्रिंट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से हमारे पास इसकी आईडी आ रही है, ठीक है। या फिर हम यहाँ पे आइटम डॉट आईडी भी कर सकते हैं, आइटम डॉट आईडी, और यहाँ पे हम कर सकते हैं आइटम डॉट रेटिंग, ऑलराइट, एंड एट द लास्ट हम लिख सकते हैं आइटम डॉट एड्रेस, और इसको हम यहां से रिमूव कर सकते हैं, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। नाउ यू कैन सी दैट लिस्टिंग, अब हमारी लिस्टिंग काफी अच्छी आ रही है यहां पे। अगर हम होम पे जाते हैं, हमारा होम पेज आता है, बाकी काफी सही तरीके से लिस्टिंग अब यहां पे आ गई है, ठीक है। सो ये था इस वीडियो के बारे में, हम कैसे बूटस्ट्रैप ऐड कर सकते हैं, कैसे हम हेडर ऐड कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बस आपको बूटस्ट्रैप का भी बेसिकली आइडिया हो ही गया इसके साथ में। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक पिक करेंगे, अभी तक मैंने खुद ने डिसाइड नहीं करा कि क्या पिक करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपके पास कोई क्वेरी है, कोई ओपिनियन है तो कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।